में पीयूष दर्द, और आप देख रहे हैं इंडिया का वो चैनल जहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की हर वैकेंसी डिस्कस होती है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आती है आपको मैं इस चैनल पे जो है वो शेयर करते रहता हूँ। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की न्यू वैकेंसी, और वो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीचे आने पर आपको दिखती होगी वैकेंट इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फार्म फॉर द पैरामेडिकल स्टाफ। इंटरव्यू आपको सीधी डेट दिखती होगी इंटरव्यू की, इंटरव्यू का शेड्यूल आपको नीचे देखने को मिलेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू देख सकते हैं 6 दिसंबर 2022, और स्लॉट नंबर 1, 4, 5 एंड 6। प्लेस नीचे देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट द पर्सन एंड रिपोर्टिंग टाइम एंड प्लेस, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती होगी। नीचे आने के बाद आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे सेकंड नंबर पे फार्मासिस्ट दिखता होगा। कुल मिलाकर बात करें पूरे पोस्ट की तो आपको यहाँ पे 15 वैकेंसी देखने को मिलती है फार्मासिस्ट की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिक सा क्वालिफिकेशन क्या है, नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन। पेमेंट की बात करें तो लगभग 17,000 से यहाँ पे आपका पेमेंट स्टार्ट होने वाला है। नीचे आने के बाद आपको सारी डिटेल जो है इसकी इस ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी, PDF आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म दिखता होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि फ़ोटो है आपका, नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका मराठी स्टेटस, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और साथ ही आपको इंटरव्यू जब कंडक्ट किया जाएगा तो साथ आपको ये प्रोफार्मा लेके जाना होगा। नीचे आने के बाद आपको जो है वो और कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन नीचे दिखता होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोफार्मा में भरनी होगी। और नीचे आपको 14 नंबर में एक्सपीरियंस दिखता होगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। आने के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखती होगी, तो फर्स्ट आपके यहाँ पे इंटरव्यू लिए जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें एज रिलेशन की, तो 13 ईयर तक जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 3 ईयर का रिलेक्सेशन है, कैटेगरी के लिए यहाँ 5 और 10 ईयर का रिलेक्सेशन आपको देखने को मिलता है OBC ST एंड फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए। तो जिनके 8 टू 13 तक है तो वो सारे जो स्टूडेंट है तो ये फॉर्म या अप्लीकेशन इसे कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं तो वो नीचे आपको दिखते होंगे 6 नंबर 7 नंबर एंड 8 एंड 10 नंबर के कॉलम में, तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास इंटरव्यू के दौरान होने चाहिए। तो नीचे आने के बाद आपको एलिजिबिलिटी दिखती होगी फार्मासिस्ट की सेकंड कॉलम में, तो जिसमें आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा दिखता होगा और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पे होने चाहिए। तो डिप्लोमा डिग्री के दोनों भी स्टूडेंट एलिजिबल है इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यहाँ पे होने चाहिए। इस तरह की बेसिक सी पूरी इन्फॉर्मेशन ये PDF में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं ये प्रोफार्मा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है, ख्याल के, जय हिंद, वंदे मातरम।